नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हिसार एसटीएफ टीम ने लूट की योजना बनाते तीन युवकों को काबू किया। पकड़े गए तीनों आरोपी के कब्जे से 6 पिस्तौल व 17 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पल पल सिरसा से मर्शिक जाने की विशेष रिपोर्ट। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी मुख्यालय आर्यन चौधरी व इंस्पेक्टर सीएच एसटीएफ पवन कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान सागर उप जोली पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी ढाणी जोधपुरिया जिला सिरसा व विशाल पुत्र मदनलाल निवासी क्वार्टर नंबर 5 कपास अनुसंधान केंद्र सिरसा व राहुल उर्फ सुखा अर्जुन पुत्र प्रेम नगर सिरसा के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 398 व 401 के तहत शस्त्र अधिनियम के तहत थाना रानिया में अभियोग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि एसटीएफ हिसार के इंस्पेक्टर पवन कुमार के नेतृत्व में एक पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सूचना मिली थी और युवक अवैध हथियारों के साथ लैस थे। ये किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। उन्होंने बताया कि इस सूचना को पाकर के इंस्पेक्टर पवन कुमार के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक राजेश कुमार, सुरेश कुमार, सिपाही अजय कुमार व सत्यनारायण ने रानिया थाना के गांव जोधपुरिया क्षेत्र में दबिश कर मौके से तीनों आरोपियों को अवैध हथियारों और कारतूस के साथ बरामद कर लिया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि उक्त हथियार मध्य प्रदेश क्षेत्र से लाए गए थे। पकड़े गए आरोपी हथियारों के बल पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि बीती 25 जून 2021 को नवीन उर्फ पंजाबी निवासी मोगा पंजाब काला खैरमपुरिया व राहुल उर्फ सुखा प्रेमनगर सिरसा व विशाल कश्यप निवासी सिरसा ने सुखाड़िया मार्केट गंगानगर जहां पर अरुण पुत्र जैन विमल जैन पर 8 से 10 हवाई फायर किए। इसके साथ ही 2 करोड़ की फिरौती भी मांगी। अब देखते हैं पल पल की खास इनसे 6 असले बरामद हुए हैं, 17 कार्टेज हुई हैं और 6 एक्स्ट्रा मैगजीन बरामद हुई हैं। डीएसपी साहब ने बताया इन्होंने 25 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग राजस्थान में अरुण जैन के घर फायर किए थे और उसे 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी। ये इन्होंने एक अजय दौड़ू है हासी का रहने वाला, उसके कहने पर सारा इंसिडेंट इन्होंने राजस्थान में किया था। ये हथियार आज वो एमपी से लेके आए थे, मनवार के पास कोई गांव है तो वहाँ भी उन्होंने दौड़ों में ही भेजा था। वहाँ जाके ये दोनों लेके आए थे राहुल और सागर, टोटल ये 11 असले लेके आए थे। 6 दिन इनसे रिकवर हो चुके हैं और 5 ये 2 या 3 दिन पहले इस वार 25 तारीख से पहले उस दौड़ों के पास पहुँचा चुके थे। वो वारदात में वो असले भी शामिल है। हाँ, इनके खिलाफ जो अपने सागर है इसके खिलाफ तो 10-12 मुकदमे हैं, डकैती लूट चोरी के। राहुल सोनी के ऊपर भी 4 या 5 मुकदमे हैं लूट के, डकैती के, लड़ाई झगड़े के। और जो ये विशाल कश्यप है ये इनके साथ न्यूकमर है। इन्होंने तो अभी जो प्राइम ऑफिसी पूछताछ में ये सामने आया कि इन्होंने मांगी है। अब क्या है कि मोटिव और जो दौड़ पकड़ा जाएगा उसके बाद ही सच्चाई सामने आएगी सारी। लेकिन काड़ा है अपने आदमपुर के पास का रहने वाला, आइडेंटिफाई भी परमानेंट गाँव उसका हुआ नहीं है, जो पहले भी यहाँ मर्डर में बताया और राजस्थान में 307 में वांटेड है। और एक नवीन है वो कल रात को हमारी इन्फॉर्मेशन के बाद राजस्थान पुलिस ने पकड़ भी लिया। हाँ, ये गैंग है, ये बेसिकली जो विजय पानू है उसके नीचे काम करते हैं और आगे में पूछताछ में क्या सामने आएगा वो बाद में पता लगेगा। ये पानू देखिए इसमें ये जो है इनको अरेस्ट किया गया, रिमांड लिया। हाँ, वो थाने वाले का बोलता है। हाँ, इनका आगे रिमांड लेकर आगे जो भी हमारे इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो समय समय पर आपसे शेयर कर ली जाएगी। और इसके अलावा जो है बड़ी अच्छी रिकवरी है, 32 बोर के जो 6 पिस्तौल रिकवर किए हैं, 17 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं और वो बड़ा अच्छा काम किया ये एसटीएफ के साथ ने। और सिरसा की जो रानिया थाने की जो टीम, हिसार एसटीएफ की टीम, पुलिस टीम व थाना रानिया की जो टीम है, इन्होंने संयुक्त तौर पर एक महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर कल 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है और मुकदमा दर्ज किया गया है जो एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। इन जोधपुरिया गांव में ढाणी जोधपुरिया में से इनको राउंडअप किया गया है और ये जो 3 व्यक्ति हैं इनके नाम इस प्रकार हैं, सागर उर्फ जौली पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी ढाणी जोधपुरिया, विशाल पुत्र मदनलाल निवासी क्वार्टर नंबर 5 कपास
अनुसंधान केंद्र सिरसा व राहुल उर्फ सूखा पुत्र अर्जुन निवासी प्रेम नगर सिरसा, ये इनके नाम हैं, जो 25 तारीख को इनमें से जो दो व्यक्ति हैं राहुल और विशाल, ये सामने आया है कि इन्होंने गंगानगर में किसी व्यक्ति से 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी। तो जिनको एक बहुत अच्छा कार्य करते हुए एसटीएफ हिसार की टीम के अगुवाई में साथ में हमारी रानिया पुलिस ने इनको राउंड अप किया है और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।